हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आते रहेंगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनिंग तकनीक क्या होती है और उसके टर्म्स क्या होते हैं तथा टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग क्या होती है। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा आज है सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। सो गाइज, सिस्टम हमारे दो होते हैं। नंबर एक है अलाइन सिस्टम, दूसरा है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं अलाइन सिस्टम। इस डायमेंशन सिस्टम को संरेखित पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट की यूनिट को इस प्रकार दिखाया जाता है कि इन यूनिट्स को ड्राइंग पेपर के निचले तल और दाईं तरफ से पढ़ा जा सके। सभी यूनिट्स को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखकर दर्शाया जाता है। इस सिस्टम द्वारा डायमेंशनिंग अधिकतर स्मॉल साइज की ड्राइंग शीट के लिए किया जाता है, जिससे ड्राइंग पेपर को घुमाकर सुविधापूर्वक यूनिट को पढ़ा जा सके। सो गाइज, इसमें आप डायमेंशनिंग कर लेते हैं। सो गाइज, ये हमारा अलाइन सिस्टम है। इसमें हम सामने और दाएं तरफ से पढ़ सकते हैं घुमाकर। सो गाइज, नेक्स्ट है हमारा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इस डायमेंशन सिस्टम को वन डायरेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट की यूनिट को इस प्रकार दिया जाता है कि इन सभी डायमेंशन यूनिट को ड्राइंग पेपर के बॉटम से पढ़ा जा सके और संबंधित यूनिट्स को डायमेंशन लाइन के ऊपर मिड में परपेंडिकुलर लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है और इनका यूज़ बिग साइज ड्राइंग में किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट ड्राइंग, शिप आदि की ड्राइंग बनाते वक्त, जिससे ड्राइंग में सभी यूनिट्स को ड्राइंग पेपर के बॉटम से आसानी से पढ़ा जा सके। डायमेंशनिंग शो करते हैं। सो गाइज, ये हमारा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, जिसमें ड्राइंग को हम केवल बॉटम सरफेस से पढ़ सकते हैं। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।